लोकसभा निर्वाचन 2024 में प्रशिक्षण के क्रम में यहाँ पर हम पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के पश्चात जमा किए जाने वाले दस्तावेज और सामग्रियों की सूची कैसे बनानी है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी कई एक वीडियो बना चुके हैं प्रशिक्षण से संबंधित, यदि उन्हें आपने नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात ईवीएम तीन मशीनों से मिलकर बनती है, बीयू सीयू और बेबी पेट, इन तीनों को सील्ड होना चाहिए। दूसरा बात, प्रथम पैकेट जो ईवीएम का होगा वो कागजात होंगे सफ़ेद रंग के, जैसे कि मत पत्र लेखा प्रारूप 1780 का लिफाफा होगा। पीठासीन अधिकारी प्रतिवेदन भाग एक मॉक पोल का प्रमाण पत्र होगा और भाग दो एवं भाग तीन के प्रमाण पत्र होंगे। इसके बाद मॉक पोल से संबंधित मुद्रित वीवीपैट स्लिप काले रंग के मोहर बंद लिफाफे सहित होंगे, ये पहला पैकेट होगा। दूसरे पैकेट में क्या क्या होगा ये भी सफ़ेद रंग का होगा और ये संविच्छा लिफाफा होंगे। तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी डायरी बिना मोहर बंद लिफाफे में और मतदाता रजिस्टर 17A मोहर बंद लिफाफे में, इसके बाद में विजिट सीट बिना मोहर बंद लिफाफे में और प्रारूप 14A में अंधे एवं निःशक्त निर्वाचकों की सूची एवं सहयोगी की घोषणा बिना मोहर बंद लिफाफे में होगा। तीसरा पैकेट जो सफ़ेद रंग का होगा ये भी सांविधिक लिफाफे होंगे, इसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और वर्गीकृत सेवा रत मतदाता की सूची, इसके बाद मतदाता पर्चियों का मोहर बंद लिफाफा, अप्रयुक्त निविदित मतपत्रों का मोहर बंद लिफाफा और प्रयुक्त निविदित मतपत्रों और 17C में सूची युक्त मोहर बंद लिफाफा और प्रारूप 14 में चैलेंज मतों की सूची युक्त मोहर बंद लिफाफा, ये आपका तीसरा पैकेट सांविधिक लिफाफों का होगा। इसके बाद में चौथा पैकेट होगा असांविधिक लिफाफों का, ये पीले रंग का रहेगा। सबसे पहले निर्वाचक नामावली की अचिन्हित प्रतियाँ बिना मोहर बंद लिफाफे में, ऊपर वाले में क्या था तीसरे पैकेट में वहाँ पर निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियाँ थी, यहाँ पर अचिन्हित प्रतियाँ। इसके बाद प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र की प्रतियाँ होंगी जो उनको लिखा बिना मोहर बंद लिफाफे में। इसके बाद में प्रारूप 12B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र बिना मोहर बंद लिफाफे में होंगे और पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं बिना मोहर बंद लिफाफे में होंगे। इसके बाद में चैलेंज मतों के संबंध में प्राप्ति रसीद एवं नगद धनराशि यदि कोई हो बिना मोहर बंद लिफाफे में जमा करनी होगी। तो चैलेंज मतों की जो सूची है वो आपको तीसरे लिफाफे में, और जो चैलेंज मतों से संबंधित रसीद है, प्राप्ति रसीद है, धनराशि है, वो आपको अगले चौथे लिफाफे में मिलेगी। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो इस लिफाफे में आपको डालनी है, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशिष्ट टैग एवं पेपर सील बिना मोहर बंद लिफाफा, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची बिना मोहर बंद लिफाफा, इसके बाद में निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा पत्र संबंधी लिफाफा, इसके बाद परीक्षण मत के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र, ASD सूची में नामित निर्वाचकों का घोषणा पत्र, पुलिस थाना प्रभारी को शिकायती पत्र, ये चीज़ें आपको देनी होगी। इसके बाद में पाँचवा जो लिफाफा है उसमें पुस्तक निर्देश एवं अन्य कागजात होंगे जो भूरे लिफाफे में होंगे। तो सबसे पहले पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका होगी, EVM एवं VVPAT की निर्देशिका होगी, अमित स्याही की CC का सेट एवं स्टाम्प पैड होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक और लिफाफा होगा सिस्टम लिफाफा जो अन्य सामग्री होगी नीले रंग का, प्रारूप 7A में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची, इसके बाद में अभ्यर्थियों के नमूना हस्ताक्षर की प्रति, अन्य अप्रयुक्त प्रारूप, पीठासीन अधिकारी की धातु मोहर, निर्वेदित मतपत्र पर निशान लगाने के लिए तीर के निशान वाली रबर, इसके बाद अमिट स्याही रखने के लिए कप और दो स्टेशनरी कंटेनर जिसमें प्रयुक्त एवं शेष स्टेशनरी सामग्री, मतदान प्रकोष्ठ और इसके बाद मतदान अधिकारियों की यात्रा वत्रा पत्र यदि कोई हो। तो ये आपको जो भी जो लिफाफे में बना के देने वो थे। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आपका इसी वीडियो में थोड़ा और जोड़ते हैं कि जो मतपत्र लिखा होगा 17C वाला उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रविष्टियां करनी है, जैसे कि मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17A में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, नियम 49O के अधीन मत देने से इनकार करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है, 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या कितनी है और नियम 49MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण टेस्ट बूथ का विवरण कितना है, उसके बाद मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या कितनी है, इसके बाद निविदत टेंडर वोट का विवरण लिखना होगा, उसके बाद पेपर सील का लेखा जो भी आपके पास है उसको लिखना होगा। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो इन बिंदुओं पर रहा।